तूने बिना ज्ञान के किसी और के रिसर्च किसी और के लिखे स्क्रिप्ट के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को लेकर झूठ बोला है। जिस मूर्ख को भारतीय इतिहास के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने नैरेटिव के अनुसार ढालकर परोस दिया। झूठा इतिहास, ब्रेन वॉशिंग, आक्रांताओं का व्हाइट वॉशिंग, हिंदू धर्म को टारगेट करना, इसके अतिरिक्त इन्हें कोई और काम है ही नहीं। हर वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं जब हम गुलाम थे ही नहीं? फिर लाखों देशभक्तों ने किस लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर किया? हाल में हिंदू अपने ही देश में रहने के लिए जिजिया दे रहे थे, लेकिन हम गुलाम नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हम गुलाम नहीं थे। स्त्रियों के साथ आक्रांताओं ने दुष्कर्म किया, क्या ये अत्याचार नहीं था? आक्रांताओं के दरिंदगी के डर से हजारों स्त्रियों ने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया, क्या ये अत्याचार नहीं था? तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन किए गए, ना करने पर गर्दनें उड़ा दी गई, क्या ये अत्याचार नहीं था? स्त्रियों को सेक्स स्लेव बनाकर कौड़ियों के भाव बेचा गया, क्या ये अत्याचार नहीं था? अब तक तू हर विषय पर झूठ फैलाता आ रहा है, आधा अधूरा सच परोसकर अपने सब्सक्राइबर्स का ब्रेन वॉश करता रहा है, एक के बाद एक झूठ बोलता आ रहा है। चल कोई समस्या नहीं, ईवीएम के विषय में झूठ फैलाया, एक पॉलिटिकल पार्टी की गोदी में बैठकर दूसरे के विषय में हर प्रकार का झूठ फैलाया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कितने झूठ बोला, इलेक्शन फ्रॉड्स के विषय में झूठ बोला, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करता रहा, लव जिहाद को व्हाइट वॉश करता रहा। चल ये सब भी सह लेंगे, पर अब तूने बिना ज्ञान के किसी और के रिसर्च किसी और के लिखे स्क्रिप्ट के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को लेकर झूठ बोला है। गलत किया तूने, उम्र में तू मुझसे बड़ा है, पर चल आज तुझे वास्तविक इतिहास का दर्शन कराता हूँ। और इस जर्मन शेफर्ड के जो भी चमचे हैं, अगर तुम अब तक ये वीडियो देख रहे हो बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर सच जानने की क्षमता तनिक भी नहीं है। तुम्हारा इस हद तक ब्रेन वॉश हो गया है कि अगर तुम्हारे समक्ष रक्त भी होगा तो तुम्हें रंग प्रतीत होगा। फिर ये तो चमचों के समझ और अवधारणा से परे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्णिम इतिहास है। जय भवानी, जय शिवाजी। इंद्रजिमि जंब पर वाडवसु अंब पर रावणस्त दंभ पर रघुकुल राज है। पौनवारी बाह पर संभुरति नाह पर जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। दावा तुमदंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंत पर कानजिमि कंस पर त्यो मलच्छ वंश पर शेर शिवराज है। कभी भूषण के इन पंक्तियों को ध्यान में रखना, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पता है वामपंथी लंपट होने की सबसे बड़ी खासियत क्या है? एक वामपंथी चिरकुट उस हर विषय में बोलेगा जिसका उसे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं होगा, तमाम प्रकार के झूठ बोलेगा और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ध्रुव राठी जैसे चमचे बिल्कुल यही करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। जर्मन शेफर्ड नए प्रोपेगेंडा के साथ अपने सब्सक्राइबर्स का ब्रेन वॉश करने हाजिर हो गया है। जिस मूर्ख को भारतीय इतिहास के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने नैरेटिव के अनुसार ढालकर परोस दिया है। और ये नाटक यहाँ खत्म नहीं होता, ये जो ज्ञान जर्मनी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ रहा है वो असल में जर्मन शेफर्ड का नहीं है, यानी भौंक ये रहा पर शब्द किसी और के हैं, यानी दूसरों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बताने वाला किसी और के रिसर्च किसी और के लिखे स्क्रिप्ट को पढ़कर ब्रह्मज्ञानी बनने का ढोंग कर रहा है। समस्या ये नहीं कि ये झूठ बोल रहा है, ये काम तो ये हमेशा करता है, समस्या ये है कि ये महाराज के विषय में झूठ बोल रहा है। ध्रुव राठी अपने वीडियो के प्रारंभ में जय साईं दीपक का एक वीडियो क्लिप उठाता है जिसमें साईं दीपक से पूछा जाता है कि अगर उनके अनुसार तीन लोगों को भारत छोड़ना चाहिए तो वो कौन होंगे। जय साईं दीपक बरखा दत्त, रोमिला थापर और इरफान हबीब का नाम लेते हैं। थ्री इंडियंस दैट शुड लीव इंडिया एंड नेवर रिटर्न आर बरखा दत्त, प्रोफेसर इरफान हबीब, रोमिला थापर। ध्रुव राठी इस पर ज्ञान देते हुए कहता है कि ये सवाल ही बेकार है और अगर इसका जवाब देना भी हो तो इसमें ऐसे लोग आने चाहिए जो बड़े बड़े घोटाले करके बैठे हैं, जो आतंकवादी हैं, गैंगस्टर्स हैं, मर्डरर्स हैं। लेकिन ध्रुव राठी के अनुसार जो तीन नाम जय साईं दीपक ने लिए वो वही लोग ले सकते हैं जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ब्रेन वॉश कर रखा है। पहली बात मेरे भाई, तो जिस व्यक्ति की बात कर रहा है उनके समक्ष अगर तू डिबेट और डिस्कशन के लिए बैठ जाए तो तू 10 मिनट में लाल पीला हरा नीला सब हो जाएगा। और तू किसे डिफेंड कर रहा? बरखा दत्त को? वो बरखा दत्त जिसने 26/11 अटैक में लाइव रिपोर्टिंग करके जितने भी हॉस्टेजेस थे जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल थे जो ऑपरेशन चल रहा था उसका लाइव अपडेट भारत की जनता के साथ पाकिस्तान तक पहुंचा दिया था, जिससे हॉस्टेजेस के साथ सिक्योरिटी पर्सनल्स पर भी खतरा बढ़ गया था और उससे आतंकवादियों को मदद मिल रही थी। आगे ये मूर्ख रोमिला थापर और इरफान हबीब को डिफेंड करते हुए कहता है कि ये इतिहासकार है। सच में
ये इतिहासकार है। ये वही रोमिला थापर है जो कहती है कि आक्रांता भारत को विकसित करने आए थे। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को इसलिए तोड़ा क्योंकि वहाँ ब्राह्मण स्त्रियों पर अत्याचार कर रहे थे। रोमिला थापर का मानना है कि अहिंसा का कॉन्सेप्ट युधिष्ठिर को अशोक ने सिखाया था, यानी युधिष्ठिर का जन्म अशोक के बाद हुआ था। वह ये हिस्टोरियंस है जिन वामपंथियों को ये अनपढ़ इतिहासकार बता रहा, उनके धागे राम मंदिर केस में बुरी तरह खुल गए थे। जब इनके लाख कोशिशों के बावजूद झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी इन्हें सच्चाई के जूते खाने पड़े थे। मेरे जर्मन भाई, जो आतंकवादी हैं, जो मर्डरर्स हैं, उनसे निपटना आसान है क्योंकि इस मामले में शत्रु सामने दिख रहा, परंतु जो सो कॉल्ड वामपंथी इतिहासकार है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली भारत को हानि पहुंचा रहे। झूठा इतिहास, ब्रेन वॉशिंग, आक्रांताओं का व्हाइट वॉशिंग, हिंदू धर्म को टारगेट करना, इसके अतिरिक्त इन्हें कोई और काम है ही नहीं। ये वही वामपंथी चिरकुट हैं जिनके अनुसार अंग्रेजों के आने से पहले भारत एज ए नेशन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लेकिन महामूर्ख ध्रुवराठी को ये बातें कहाँ समझ आने वाली है? गूगल से ज्ञान प्राप्त करने से, कुछ लेफ्टिस्ट मीडिया पोर्टल्स के आर्टिकल पढ़ लेने से सोचने की क्षमता डेवलप नहीं होती। आगे ध्रुव राठी बताता है कि रोमिला थापर से लोग इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि रोमिला थापर ने हमें बताया कि हम कभी गुलाम थे ही नहीं। ये संघियों का फैलाया बस एक प्रोपेगेंडा है, इस ब्रेन वॉशिंग माफिया का दूसरा डिपार्टमेंट, क्योंकि रोमिला थापर कहती है कि हम हिंदू लोग गुलाम नहीं थे। सही सुना आपने, इसी कारण से गुस्सा है ये लोग रोमिला थापर से, क्योंकि वो कहती है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज हिंदू लोग किसी के गुलाम नहीं थे, वो आजाद लोग थे। सच में हम कभी गुलाम नहीं थे? फिर अब तक हम ये क्यों पढ़ते आ रहे हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ? हर वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं जब हम गुलाम थे ही नहीं? फिर लाखों देशभक्तों ने किस लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर किया? रोमिला थापर और ध्रुव राठी के अनुसार वो शायद घरेलू लड़ाई होगी, है ना? मतलब अरब आक्रांता, मुगल्स, डच, पोर्चुगीज भारत को गुलाम बनाने नहीं बल्कि भारत को डेवलप करने आए थे। सबसे पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 8वीं शताब्दी में हुआ, जिसके बाद कासिम ने हजारों स्त्रियों को कैप्चर कर सेक्स स्लेव बनाया। लेकिन हम गुलाम नहीं थे। पता है हजारों स्त्रियों ने सती और जौहर क्यों किया? ताकि उन्हें भी सेक्स स्लेव न बनना पड़े, ताकि वो भी इस्लामिक दरिंदों के शिकार न बन जाए। लेकिन ध्रुव राठी और रोमिला थापर के अनुसार हम कभी गुलाम थे ही नहीं। मुगल काल में हिंदू अपने ही देश में रहने के लिए जिजिया दे रहे थे, लेकिन हम गुलाम नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हम गुलाम नहीं थे। ध्रुव राठी ने कह दिया कि हम गुलाम नहीं थे तो नहीं थे। इतनी बचकानी बातें कहने के बाद, इतना व्हाइट वॉशिंग करने के बाद, इतना झूठ बोलने के बाद ये धूर्त उल्टा दूसरों को व्हाट्सएप माफिया वाला बताता है। कैसे कर लेता है भाई? इसके बाद ये चमचा बोलता है कि ये बस आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि आप हजारों सालों से गुलाम थे, मुसलमानों ने आप पर अत्याचार किया। भाई मेरे अनपढ़, इतिहास का अगर तुम्हें ना के बराबर भी ज्ञान होता तो तू ऐसी बचकानी बातें नहीं करता। स्त्रियों के साथ आक्रांताओं ने दुष्कर्म किया, क्या ये अत्याचार नहीं था? आक्रांताओं के दरिंदगी के डर से हजारों स्त्रियों ने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया, क्या ये अत्याचार नहीं था? तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन किए गए और ना करने पर गर्दनें उड़ा दी गई, क्या ये अत्याचार नहीं था? स्त्रियों को सेक्स स्लेव बनाकर कौड़ियों के भाव बेचा गया, क्या ये अत्याचार नहीं था? आगे ध्रुव राठी छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण देकर कहता है कि महाराज बड़े शान से जी रहे थे, वो किसी के गुलाम नहीं थे, तो किसी पे अत्याचार कैसे हो सकता है? इस अनपढ़ के इस तर्क के अनुसार तो भीमराव अम्बेडकर भी बड़ी शान से जिए, बहुत पढ़े भी, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि कभी किसी के साथ भेदभाव हुआ ही नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए स्वतंत्र थे क्योंकि उन्हें तुम्हारे आका औरंगजेब को धूल चटाना आता था, और अगर सब चंगा सी था तो महाराज लड़ किसके विरुद्ध रहे थे? जब सब चंगा सी था तो राजमाता जीजाबाई ने किस हिंदवी स्वराज का सपना दिखाकर महाराज का शेर की भांति पालन किया? लेकिन ध्रुव राठी के अनुसार ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि एक तरफ आक्रांता हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज स्वतंत्र थे। ऐसे में तो फिर नेहरू बड़े मजे का जीवन जी रहे थे, एमके गांधी को अंग्रेजों का पूरा सम्मान मिल रहा था, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाकी लोगों पर अंग्रेजों ने कभी अत्याचार किया ही नहीं? ये दोनों बातें भी एक साथ कैसे हो सकती है? लेकिन हुई थी ना, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम आक्रांता हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे, और अगर ना करते फिर महाराणा प्रताप, राजा छत्रशाल, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे भारत माता के वीर सपूतों को अस्त्र शस्त्र उठाने की क्या आवश्यकता थी? ध्रुव राठी तो खुद अपने तर्कहीन बातों में फंसता जा रहा है। खुद गूगल का ज्ञान देने वाला, किसी और के रिसर्च, किसी और का लिखा स्क्रिप्ट रोबोट की तरह पढ़ने वाला, हर बात का सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो बताने वाला, जब दूसरों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कहता है तो इससे बड़ा ढोंग, इससे बड़ा पाखंड और इससे भद्दा मजाक कुछ नहीं हो सकता। जिस जॉर्ज ऑरवेल की बातों का उदाहरण तू दे रहा उसे खुद पर अप्लाई करके देख, तेरा मस्तक खुद लज्जा से झुक जाएगा, अगर तू ढोंगी और बेशर्म ना होगा तब। आगे अपने झूठ को मजबूती प्रदान करते हुए
अपने सब्सक्राइबर्स को गुमराह करते हुए। ध्रुवराठी कहता है कि यदि आप ये सोच रहे कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की थी तो आपकी आंखें खुलने वाली है। औरंगजेब हजारों मंदिरों को ध्वस्त करता है, लाखों को तलवार के दम पर कन्वर्ट करता है, हिंदुओं पर जिजिया लगाता है, खुद कहता है कि उसका उद्देश्य पूरे भारत में इस्लाम की स्थापना है, और उसके विरुद्ध महाराज अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, हिंदू स्वराज की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन ध्रुव राठी के अनुसार ये धर्म की लड़ाई थी ही नहीं, यानी औरंगजेब खुद कह रहा कि हाँ भैया मैं अत्याचारी हूँ, पर ध्रुव राठी कह रहा नहीं भाई तू मेरी बात मान, तू अत्याचारी नहीं है। इसे रोमिला थापर, स्क्रॉल क्विंट और अल जजीरा ने क्रॉस चेक किया है कि तू अत्याचारी नहीं है। भाई तूने तो औरंगजेब की भी आंखें खोल दी यार। आगे ये झूठा हिस्टोरिकल फैक्ट बताने के नाम पर हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल दिखाकर ये बताता है कि देखिए दोस्तों, शिवाजी के पिताजी का नाम एक मुस्लिम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। सोर्स क्या है? ट्रस्ट मी ब्रो, गूगल और हिंदुस्तान टाइम्स। लेकिन वास्तविकता क्या है? कंटेम्प्रेरी सोर्स कवि परमानंद कृत द्वारा रचित श्री शिव भारत के अनुसार ज्योतिषियों द्वारा बताए गए और धर्म का अनुसरण करने वाले शुभ दिन के अवसर पर माल वर्मा ने अपने पुत्र का नाम शाहजी रखा। लेकिन ध्रुव राठी समकालीन सोर्स की जगह ट्रस्ट मी ब्रो वाले सोर्स का ज्ञान देगा, और आवश्यकता पड़े तो श्री शिव भारत को भी बीजेपी द्वारा लिखा ग्रंथ और कवि परमानंद कृत को आरएसएस का संघी बता देगा, और उसके अंध चमचे मान भी लेंगे। आगे ये आपका दल्ला कहता है कि तब गोदी मीडिया, बीजेपी और व्हाट्सएप माफिया नहीं था, इसलिए हिंदू मुस्लिम में अथाह प्रेम था। एवरीथिंग पेंटेड, व्हाइट वॉश्ड, सब्सक्राइबर्स मैनिपुलेटेड, मकसद कामयाब हुआ। जर्मनी के अनपढ़, जब इतना ही भाईचारा था तो काफिरों पर इतने अत्याचार क्यों हुए? स्त्रियों को सेक्स स्लेव बनाकर क्यों बेचा गया? हजारों मंदिर क्यों ध्वस्त किए गए? आगे ये कहता है कि शिवाजी महाराज हिंदू थे लेकिन फिर भी मुसलमानों का आदर करते थे। छत्रपति शिवाजी खुद एक हिंदू थे, वो मुसलमानों का बड़ा आदर करते। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, एक हिंदू सबकी आदर करता ही है, क्योंकि हमें बचपन से ये बात सिखाई जाती है। एक हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यानी पूरा विश्व मेरा परिवार है। एक हिंदू सब में ईश्वर देखता है और नमन करता है। हिंदुओं ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर कभी भी तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन नहीं किया, और इस बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ी खूबसूरती से लिखा है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। लेकिन विडंबना ये है कि ये उदारता एक तरफा है, ये भाईचारा एक तरफा है, ये सहिष्णुता एक तरफा है। हजारों की संख्या में ध्वस्त किए गए मंदिर इस बात के प्रमाण है, तलवार के बल पर किए गए धर्म परिवर्तन इस बात के प्रमाण है। यदि आपको स्मरण होगा तो मैंने वीडियो के प्रारंभिक भाग में कवि भूषण द्वारा लिखित कुछ पंक्तियों को कोट किया था। उन पंक्तियों का सही अर्थ जान लेना मात्र ही ध्रुव राठी के झूठ के जाल को तहस नहस कर देगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भूषण जी कहते हैं कि जिस प्रकार देवराज इंद्र का जम्भासुर पर आधिपत्य प्रसिद्ध है, जल को भी जला देने वाली वटवाग्नि से जैसे जल भयभीत रहता है, अहंकारी रावण पर भगवान राम का आधिपत्य सर्वज्ञात है, पवन का बादल पर, शिव जी का रति के पति कामदेव पर, राजा सहस्त्रबाहु पर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम का, वृक्षों पर दावानल का, चीते का हिरणों के समूह पर, हाथी पर सिंह का, प्रकाश का अंधकार पर, और भगवान श्री कृष्ण का कंस पर जिस प्रकार आधिपत्य प्रसिद्ध है, उसी प्रकार संपूर्ण अत्याचारी मलच मुगल शासकों पर शेर की भांति शिवाजी महाराज का भय छाया हुआ है। तब कवि भूषण जी ने उन मुस्लिम आक्रांताओं को मलच कहा था, उन आक्रांताओं को अत्याचारी कहा था। लेकिन ध्रुव राठी के लिए तब दोनों तरफ से भाईचारा पीक पर था, क्योंकि तब बीजेपी, आरएसएस, कोदी मीडिया नहीं हुआ करते थे। फिर भूषण जी ने उन्हें अत्याचारी क्यों कहा था, मलच क्यों कहा था? और ध्यान रहे, कवि भूषण जी छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन कवि थे, यानी उनके लिखे ग्रंथ उनके प्रमाण प्राइमरी सोर्स के रूप में देखे जाएंगे। वो कोई लेफ्टिस्ट मीडिया पोर्टल के एडिटर नहीं थे जिन्होंने जो मन किया लिख दिया। ये बात वामपंथियों के सारे वाइट वॉशिंग पर कालिक पोत देगा। ये बात नकारा ही नहीं जा सकता कि आक्रांताओं ने लोगों पर अत्याचार किया, भारतवासियों को तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन किया। लेकिन ध्रुव राठी जैसे लोग सच को सहन करने की क्षमता नहीं रखते, और इस कारण हर प्रकार का झूठ बोलकर एक काल्पनिक माया जाल की रचना करते हैं, जिसमें ऐसे लोग बड़ी आसानी से उलझ जाते जो ऐसे लोगों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते। ऊपरी सतह पर इनकी बातें सही और तार्किक लगेगी, इनका झूठ भी सच लगेगा अगर आप इनके माया जाल को नहीं समझ पाएंगे तब, और यदि आपको उस विषय का अच्छा ज्ञान न होगा तब। परंतु आप यदि अच्छे से इनकी बातों को एनालाइज करेंगे तो आपको बड़ी महीनी से बुने हुए इनके झूठ के जाल स्पष्ट दिखाई देंगे। पहली नजर में आपको प्रतीत होगा कि ये तो सच दिखा रहे हैं, परंतु वो सच उतना सच नहीं होगा जितना आप उस सच को सच्चाई से सच मानते हैं। स्वागत है आपका ऐसी दुनिया में
जहां सच सच नहीं है, जहां सच मात्र एक माया जाल है, जहां सच भ्रामक है, जहां सच मात्र एक इल्यूजन है। वेलकम टू गूगल यूनिवर्सिटी, where facts are distorted and consumers of that fact are manipulated.